Hi friends, today in this video I will show you how to increase transformer's voltage and current. I will explain you everything in this video. दोस्तों कैसे आप एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और एम्पियर को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, कितने मोटे वायर्स यूज करने हैं और कितने टर्न्स देने हैं ट्रांसफार्मर में, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। Keep watching the video till end. बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कैसे बनाएं। तो मान लीजिए ये है प्राइमरी कॉइल और इस तरफ है सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में आपको सेम टर्न्स आधा आधा करके देना है और मिडिल पॉइंट से एक वायर निकाल लेना है। ऐसे आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बन जाएगा और इसको मल्टी टैप भी बना सकते हैं अलग अलग पॉइंट से निकाल के वायर्स को। मैं आपको इन दोनों गियर्स की मदद से ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज एंड एम्पियर है उसको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये जो छोटा गियर है ये है कम डायमीटर का वायर और ये जो बड़ा गियर है ये है ज़्यादा डायमीटर का वायर, और जो गियर्स का रोटेशन है उसको मान लीजिए इक्वल टू वोल्टेज है। तो आप देख सकते हैं जो छोटा गियर है बहुत स्पीड से घूम रहा है और जो बड़ा गियर है वो कम स्पीड से घूम रहा है, लेकिन जो बड़ा गियर है उसमें जो फोर्स हमें मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर फोर्स इक्वल टू एम्पियर को रखा है। तो आप देख सकते हैं छोटे गियर्स में कम ताकत देने से हमें जो बड़ा गियर है उसमें ज़्यादा ताकत मिल रहा है, लेकिन रोटेशन स्पीड को मैंने यहाँ पर वोल्टेज रखा है, कम स्पीड से घूम रहा है मतलब सेकेंडरी कॉइल में हमें कम वोल्टेज मिलेगा लेकिन एम्पियर ज़्यादा मिलेगा। ट्रांसफार्मर यूज़ का और एक प्रॉब्लम रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे आप ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वोल्टेज है उसको कम करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा हूँ तो जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज है वो भी कम हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसफार्मर काम करता है, अगर इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में भी ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, अगर इनपुट में कम वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में भी कम वोल्टेज मिलेगा। ऐसे ट्रांसफार्मर काम करता है। तो चलिए ट्रांसफार्मर का वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12012 का एक 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लिया है और दूसरी तरफ था 012 का वायर, वो मैंने पहले ही निकाल के रखा है। आप देख सकते हैं मैंने जब इसको पहले रिपेयर किया था तभी निकाल के रखा था। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज एंड एम्पियर है उसको चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट एसी पे कनेक्ट कर दिया है और उसके साथ मल्टीमीटर भी कनेक्ट किया है ताकि आप आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को देख सकें, और आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर अच्छे से वर्क कर रहा है। हमें आउटपुट में 27 वोल्ट मिल रहा है मैक्सिमम, क्योंकि इनपुट वोल्टेज भी बहुत हाई है। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर का एम्पियर को भी चेक करते हैं। मैंने मल्टीमीटर को एम्पियर पे सेट कर लिया है क्योंकि मल्टीमीटर में एम्पियर डीसी में चेक किया जाता है, इसलिए मैं एक ट्रांसफार्मर के साथ डायोड को जोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं जो एम्पियर है हमें 3.8 मिल रहा है एम्पियर। 24 वोल्ट पे चेक करके दिखा देते हैं एम्पियर कितना है। 24 वोल्ट में भी हमें 3.4 एम्पियर मिल रहा है, और जो वायर का थिकनेस है आप देख सकते हैं 1 mm से कम है। और जो वायर आप इसमें वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए लगाएंगे उसको भी सेम डायमीटर का होना चाहिए ताकि एम्पियर ना घटे। तो चलिए ट्रांसफार्मर को अच्छे से खोल लेते हैं पहले। उससे पहले अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सके।
तो आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर का जो आयरन का सीट था उसको मैं खोल लिया हूँ, और आप देख सकते हैं जिस तरफ से वायर लपेटा हुआ था उसी तरफ से आपको वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए जो वायर्स आप जोड़ेंगे उसको लपेटना है। तो उसके लिए पहले आपको वायर्स को अच्छे से कनेक्ट करना है, क्योंकि इस वायर्स में आइसोलेशन रहता है, तो उसको पहले हटा लीजिए और अच्छे से जोड़ दीजिए। और इस ट्रांसफार्मर में 80 टर्न्स देने से हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है। अगर आपको नहीं पता है कितने टर्न्स देने पे कितने वोल्ट मिलता है, तो पहले आप ट्रांसफार्मर का जो पहले विंड किया था वायर्स को कीजिए, क्योंकि मैंने इस ट्रांसफार्मर को पहले ही एक बार खोला था, तो मुझे पता है इस ट्रांसफार्मर में 80 टर्न्स देने से 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है। उसके हिसाब से आप जितने वोल्ट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वायर्स को लपेटें। मैं 80 टर्न्स दे दूंगा 12 वोल्ट के लिए, क्योंकि मुझे इस ट्रांसफार्मर से 36 वोल्ट चाहिए, तो ये ऑलरेडी एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, तो सिर्फ आप मुझे 12 वोल्ट के लिए वायर्स जोड़ना है। तो जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सारे वायर्स को टेप की मदद से टाइट कर देना है, ताकि ट्रांसफार्मर जब ऑन हो तब वाइब्रेशन ना हो, मतलब नॉइज़ ना क्रिएट हो। तो इस वायर्स को कवर करने के लिए आप हमेशा कैप्टन टेप का यूज़ कीजिए, जो कि बहुत हीट रेजिस्टेंट टेप होता है, कैप्टन टेप। तो हमेशा कैप्टन टेप का यूज़ करें ट्रांसफार्मर में। और इस ट्रांसफार्मर का जो बॉबिन साइज है वो है 1.5 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई। तो इस साइज के हिसाब से आप इस ट्रांसफार्मर का जो विंडिंग डाटा है उसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए ट्रांसफार्मर का जो वायर्स है उसको कवर करते हैं। आप ट्रांसफार्मर का जो वायर्स है उसको कवर करने के लिए कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर्स अगर हीट रेजिस्टेंस एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस हो तो और भी अच्छा है। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पेपर को। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर का जो कोर है, मतलब आयरन सीट्स हैं ई शेप का और आई शेप का, सारे सीट्स को सेम अमाउंट में दोनों तरफ से डालेंगे ट्रांसफार्मर में। तो फाइनली हमारा ट्रांसफार्मर विंड होके तैयार हो चुका है। बारी है इस ट्रांसफार्मर को चेक करने की। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट एम्पियर है उसको कैसे इंक्रीज करें। ट्रांसफार्मर का आउटपुट एम्पियर इंक्रीज करने के लिए हमें ज़्यादा थिकनेस का वायर यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इस ट्रांसफार्मर में ज़्यादा थिकनेस का वायर यूज़ करते हैं तो इसमें स्पेस नहीं बचेगा, क्योंकि हमें 12 वोल्ट के लिए 80 टर्न्स देने हैं इस ट्रांसफार्मर में। अगर हम मोटे वायर से 80 टर्न्स देंगे इस ट्रांसफार्मर में तो इस ट्रांसफार्मर में बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा, उसके लिए हमें ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। सेम उसी तरह से अगर आप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स देना पड़ेगा, तो फिर भी इस ट्रांसफार्मर में स्पेस नहीं बचेगा। उसके लिए आपको पतला वायर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब नैरो वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये है प्राइमरी कॉइल और ये जो टर्न्स दे रहा हूँ ये है सेकेंडरी कॉइल।
तो आप देख सकते हैं पतला वायर से सेकेंडरी कोयल में स्पेस बच जा रहा है। अगर हम सेकेंडरी कोयल में मोटा वायर यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत है। तो फाइनली हमारा 36 वोल्ट का ट्रांसफार्मर तैयार हो चुका है और इस ट्रांसफार्मर ने 220 वोल्ट एसी पे कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको चेक करके देखते हैं। मैंने मल्टीमीटर को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरी वायर पे कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं 42 वोल्ट मिल रहा है। ट्रांसफार्मर में थोड़ा वोल्टेज कम और ज़्यादा दिखा सकते हैं क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज है वो भी बहुत हाई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 232 वोल्ट है, तो इसीलिए आउटपुट वोल्ट भी हमें हाई मिल रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 40 वोल्ट से ऊपर आ चुका है। तो इसमें आपको शक भी लग सकता है, मुझे तो शक नहीं लगा। तो और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक 220 वोल्ट का जो बल्ब है उसको लगा दिया है, तो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, डिमली ग्लो कर रहा है क्योंकि 40 वोल्ट आ चुका है। क्योंकि 40 वोल्ट एसी बहुत वोल्टेज होता है, किसी को शॉक लग सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर के साथ एक मोटर को जोड़ के देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। उसके लिए हमें डीसी वोल्टेज चाहिए, तो इस ट्रांसफार्मर में तो एसी वोल्टेज आउटपुट मिलता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डायोड की ज़रूरत पड़ेगा। हाफ ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। तो चलिए डायोड को जोड़ दिया है, मोटर को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आपने देखा मोटर से आग निकल रहा था क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से बहुत हाई वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि ये मोटर 40 वोल्ट का नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं इस मोटर से बहुत ज़्यादा आग निकल गया था, शायद ये मोटर ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।